परसी, अरे ओ परसी। अरे नरसी, तू तो बहुत दिनों में आया है, क्या बात है भाई? हाँ भैया, तुम्हारी बिटिया की चिट्ठी आई है, भात भरन को जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे लायक कोई काम बताओ। बंधु, तुम्हारे पास तो बैला गाड़ी है ना, मोए दे दो थोड़ा, मुझे भात भरन को जाना है। बंधु, गाड़ी बैल तो वो बंधे हैं, पर मेरे बैलन ने 4 दिनों से तिनका भी नहीं खाया है। बैल थक कर बैठ गए हैं और इनके पैर में सूजन आ गई है। हमने लाठियां मार मार के खूब उठाने की कोशिश की, पर बैल उठने का नाम ही नहीं लेते, और गाड़ी बारिश में भीग कर बेकार हो गई है। रस्सियां पूरी सड़ गई है, गाड़ी कोनो काम की नहीं है। अब बताओ भाई, क्या करें? बंधु, चलो हमें वहां ले चलो, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूं। हाँ हाँ, चलो। हाँ चलो। हाँ चलो चलो, 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 चलो। अरे भैया, कुछ करो, गाड़ी को बांध के तैयार कर दो। क्या? हाँ। गाड़ी के तो नाव ही टूट गयो है। हाँ भैया। अरे धूरा ही अलग हो गयो है भैया। हाँ भैया, हाँ सब पुर्जा अलग थलग हो गयो है, जा गाड़ी का तो फसाला ही हो गयो भैया। अरे भैया, बहुत मुश्किल काम लग रहा है, बहुत मुश्किल काम लग रहा है भैया। भैया देखो, बांध के तैयार करो। अरे भैया, रस्सी तो है ही नहीं,
काहे से बांधे? ऐसा करो, इन महात्माओं की जटा काट के रस्सा बना ले और रस्सा लेके गाड़ी बांध ले। जा, गाड़ी तो आगे चल ही ना पावेगी। अरे भैया, हमें तो लागत है सांवलिया के बिना जा गाड़ी को कोई नहीं है चलैया। अरे भैया, तेरी गाड़ी तो सांवलिया ही हाकेगो, वो ही इसे चलावेगो। हाँ, समधी आयो है? कौन सा समधी? वो अपना नाम नरसिंह बताता है, जूनागढ़ से आया है, और वो कहते हैं हम मनसा सेठ के भतैया हैं, और उसके साथ में लंगोटा संगोटा वाले महात्मा हैं, और जो तन पे भभूति मले हैं। अरे उस बाबा जी को गांव के बाहर जो हमारी गईयों वाली खिड़क है ना जी, उसमें ठहरा दो जी, और याद रखना वो बाबा जी गांव के अंदर घुसने ना पाए जी, नहीं तो हमारी सारी इज्जत धूल मिट्टी में मिल जाएगी। जी सेठ जी, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा जल्दी भाग।